एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ भूख की मार, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जिला पठानकोट में। प्रवासी लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। पठानकोट में एकमात्र क्रशर इंडस्ट्री, जो कि अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बंद पड़ी हुई है, और इस क्रशर इंडस्ट्री पर काम करने वाले प्रवासी लोग, जिनके यहाँ इंडस्ट्री पर काम करने से रोजी रोटी चलती थी, अब नहीं चल पा रही, वो उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। बता दें कि इस इंडस्ट्री चलने से हजारों परिवारों के घर के चूल्हे जलते थे, जब इंडस्ट्री बंद हो गई तो लोगों के चूल्हे जलने भी बंद हो गए। यहाँ बात ये भी है कि इनको ना कोई संस्था पूछ रही है और ना ही प्रशासन। मजदूरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अपने परिवार को बिहार में छोड़कर आए थे कि यहाँ आकर काम करेंगे ताकि परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके, पर अब इंडस्ट्री बंद होने से उनके परिवार को भी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं और वह उन्हें परेशान कर रहे हैं कि कैसे भी पैसे भेज दो ताकि हम अपना घर का चूल्हा चौका चला सके, पर कहाँ से भेजे पैसे क्योंकि उनकी इंडस्ट्री तो बंद है। इन प्रवासी मजदूरों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि कैसे भी करके इस इंडस्ट्री को चालू करवाया जाए या फिर उनके रोजी रोटी के लिए कुछ किया जाए। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरामैन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। इंडस्ट्री बंद है, आप लोगों को राशन वगैरह मिल रहा है जैसे लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का? जी बाबू की तरफ से मिल रहा है, तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, और घर पे भी घर वाले हैं जो बोलते हैं कि भूखे मर जा रहे हैं, कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो क्रेशर लाइन है तो चल नहीं रहा, वो भी बहुत मुसीबत दिक्कत है, तो क्रेशर में भी ऐसी हो रहा है दिक्कत बहुत इमरजेंसी का। तो यही है, सरकार से निवेदन है कि ये जो क्रेशर है उसको किसी तरह हल करें और चलाने की कोशिश करें। घर वालों का कैसा फिर गुजारा चल रहा है, जैसे पैसे वगैरह नहीं है आपके पास? पैसे तो बहुत भुखमरी है, घर पे बहुत दिक्कत है, बोल रहे हैं खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत मजबूरी है, बोल रहे हैं कुछ पैसा भेज, तो हम लोग के यहाँ खाने खुने के मेरा बहुत दिक्कत है, बहुत घर पे कहाँ पैसा भेजे, सरकार हमको कोई मदद नहीं कर रही है। क्रेशर बंद हो जाने से हमको बड़ी मजबूरी हो गया, घर पे पैसे भेजने का लोड है, प्रेशर चल ही नहीं रहा है, पैसा हमारे घर पे नहीं जा रहा है, घर वाले दिक्कत में है, सरकार बोल रही है कि यहाँ खाते में पैसा देने को पैसा आ नहीं रहा है। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से, जो हमारा प्रेशर चलता रहेगा तो हमारा खर्चा पानी चलता रहेगा। आपके यहाँ कोई संस्था भी आती है सरकार की ओर से भी, कोई राशन देने आता है या नहीं? कोई नहीं आता, कुछ नहीं मिला है, आज 40 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला है बस।